everyone, this is Divya Mishra. Welcome to our channel, Yes You Can, Divya Mishra. So in this video, we are going to talk about some reasonings based on the topic, that is evaporation. इसके ऊपर हम base कुछ reasoning की बात करेंगे. और अगर आपको इस topic को पढ़ना है या इस chapter से related कोई भी topic आपको पढ़ना है तो मेरे channel पे already available है. You can go to my channel, okay? And search for the topic you want, okay? So the first question rises is why drops appears on the bottle after removing from fridge. जैसे ही आप फ्रिज से कोई बॉटल निकाल के बाहर रखते हो तो आप देखते हो कि वहाँ पे जो ऊपर का बॉटल का सरफेस है, जो सरफेस एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है, वहाँ पे छोटे 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 ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं. ऐसा क्यों होता है? सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, एक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा देती हूँ कि कूलिंग causes contraction and boiling causes expansion. Am I clear to everyone? Cooling हमेशा contract करता है molecules को, आपस में कंडेंस करता है. ठीक है, कूलिंग क्या करता है? कंडेंस करता है मॉलिक्यूल्स को. अब देखो, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जैसे गैस की. गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, तो जब आप इनको कूल करते हो तो मैंने आपको क्या बताया कि कूलिंग क्या करता है? कॉन्ट्रैक्शन करता है. तो इन मॉलिक्यूल्स को वो पास पास लेके आ जाएगा और चेंज हो जाएगा लिक्विड स्टेट में. और कौन सी स्टेट में चेंज हो जाएगा? लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाएगा. हमेशा याद रखना कि कूलिंग कॉजेस कॉन्ट्रैक्शन. वो मॉलिक्यूल्स के पास पास, मॉलिक्यूल्स को पास पास ले आता है, जिसकी वजह से गैसेस स्टेट कौन से स्टेट में चेंज हो जाती है? लिक्विड स्टेट में. और अगर लिक्विड को आपको गैस में बदलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? हीटिंग देनी पड़ेगी. मैंने आपको बोला क्या कि बॉइलिंग या हीटिंग कॉजेस एक्सपेंशन. यहाँ पर एक्चुअली मुझे बॉइलिंग की जगह हीटिंग ही लिखना चाहिए, क्योंकि बॉइलिंग तो इज एट बॉइलिंग पॉइंट ना, तो इट शुड बी हीटिंग. जब आप हीटिंग करोगे तो वो हो जाएगा एक्सपेंशन करेगा. अगर मुझे लिक्विड से गैसीय स्टेट में जाना है तो मैं क्या करूँगी? हीट कर दूंगी. आप पानी को मतलब हीट प्रोवाइड करो तो गैसीय स्टेट में बदल जाएगा ना, वाटर वेपर की स्टेट में. बट अगर गैस को लिक्विड में बदलना है तो आपको क्या करना पड़ता है? कूलिंग. आपने कंडेंसेशन का प्रोसेस पढ़ा होगा. ये जो क्लाउड्स बनते हैं, जो रेनिंग का पूरा प्रोसेस है, ये कंडेंसेशन के ऊपर ही बेस्ड है. ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया कि कूलिंग करती है कॉन्ट्रैक्शन. अब देखो कि जब आपने वो बॉटल बाहर निकाली तो पानी था वो ठंडा. फ्रीज़र से निकाली है तो ऑफ कोर्स वो पानी ठंडा ही होगा. ठंडा होगा या हो सकता है सॉलिड स्टेट में भी हो. ठीक है, अब उसने आसपास के एटमॉस्फेयर में क्या किया? देखो, कोई भी चीज़ क्या जाती है? जो चीज़ ज़्यादा जहाँ होती है उससे उस तरफ जाती है जहाँ पे वो चीज़ कम है. जैसे एटमॉस्फेयर में हीटिंग ज़्यादा है बट उस बॉटल में ठंडक ज़्यादा है, तो ठंडक क्या करेगी? बाहर की तरफ जाएगी. जैसे कि ये आइस है, मान लो दिस इज़ आइस. यहाँ पे टेम्परेचर जो है, जो मतलब मान लो ठंडा है, मान लो क्या है ही, तो ठंडा है तो ये क्या करेगा? ठंडक अपनी आसपास के एटमॉस्फेयर में फैलाएगा. तो आसपास का जो एटमॉस्फेयर होगा, मान लो ये एटमॉस्फेयर है, इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे. हमारे एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी होती है, यू नो वेरी वेल. ह्यूमिडिटी किस फॉर्म में होती है? वाटर वेपर की फॉर्म में. बट वो एक्चुअली में क्या? लिक्विड ही तो है. अब मैंने आपको बोला कि लिक्विड क्या करेगा? कंडेंस, गैस कंडेंस होके लिक्विड बन जाती है. तो आसपास के एटमॉस्फेयर में जो H2O प्रेजेंट होगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, मतलब वाटर मॉलिक्यूल, जिसको हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी. हमारे आसपास के यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा, ऐसे ऐसे लिख देती हूँ, वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा, वो हो जाएगा कंडेंस. वो हो जाएगा कंडेंस. जो वाटर वेपर, मतलब ये किस फॉर्म में है? ये गैस की फॉर्म में है. ये हो जाएगा कंडेंस और इस बॉटल के पास सरफेस पे आके ऐसे डिपॉजिट सा हो जाएगा. तो ये जो पानी आपको बॉटल में दिख रहा है, ये कोई अंदर बॉटल के अंदर का पानी नहीं है, ये आसपास के एटमॉस्फेयर का पानी है, जिस एटमॉस्फेयर में आपके वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं. आपके वाटर मॉलिक्यूल्स उस मॉलिक्यूल्स में, आई मीन वाटर मॉलिक्यूल्स एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट है वो कंडेंस हो गए हैं. ये गैसियस स्टेट में जो थे अब वो कंडेंस होकर लिक्विड स्टेट में आ गए हैं और इस बॉटल पे आके डिपॉजिट हो गए हैं. सो होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि बॉटल के ऊपर ये जो आता है, यू नो वाटर ड्रॉपलेट्स आते हैं, ये कहीं बॉटल के नहीं होते, बॉटल के अंदर के पानी के नहीं हैं.
ये कहा कि है एटमॉस्फेयर के वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, या कह सकते हैं कि एटमॉस्फेयर की जो ह्यूमिडिटी है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, वही आके बॉटल पे डिपॉजिट हो गए हैं. कैसे? कंडेंस होके. क्योंकि गैस कंडेंस होने के बाद क्या बन जाती है? लिक्विड बन जाती है. ठीक है.